हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वंडर वुमन 1984 की विलन चीता से रिलेटेड 10 मोस्ट इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि वंडर वुमन 1984 के ट्रेलर के रिलीज होते ही ये चीज कंफर्म हो गई थी कि मैक्सवेल लॉर्ड और चीता इस मूवी के विलन होंगे, और अब इस फिल्म के रिलीज डेट को डिले नहीं किया जाएगा, इसकी कंफर्मेशन भी कर दी गई है। वंडर वुमन 1984 को 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन रिलीज किया जाएगा। तो ये परफेक्ट टाइम है चीता से रिलेटेड फैक्ट्स को जानने का, तो बिना टाइम वेस्ट किया ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मूवी में हमें बारबरा मिनर्वा के चीता वर्जन को दिखाया जाएगा, जिसका रोल प्ले कर रही हैं क्रिस्टन विग। लेकिन कॉमिक्स में कई दूसरे कैरेक्टर्स भी चीता रह चुके हैं, जिनमें प्रिस्किला रिच, डिबोरा डुमेन और सेबेस्टियन बैलेस्टर्स शामिल है। कॉमिक्स में प्रिस्किला रिच सबसे पहले चीता बनी थी, लेकिन बारबरा मिनर्वा के चीता को फैंस की मांग ज्यादा पसंद किया गया, और यही वजह है कि बारबरा के चीता वर्जन को ही इस फिल्म में इंक्लूड किया गया है। स्टार्ट में बारबरा सिर्फ फुल मून के टाइम पर ही चीता में ट्रांसफॉर्म हो सकती थी, लेकिन जल्दी वो इस लिमिटेशन को ओवरकम कर लेती है एक सोर्सरेस की मदद से, जिसके बाद बारबरा जब चाहे चीता में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और अब उस पे कोई लिमिटेशन नहीं रहती। बारबरा मिनर्वा एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जिन्हें चीता के ओरिजिन के बारे में पता है वो इस बारे में जानते होंगे। ट्रेलर के इस शॉट के बाद ये चीज कन्फर्म हो जाती है कि मूवी में भी बारबरा मिनर्वा को एक आर्कियोलॉजिस्ट दिखाया जाएगा। सर्सी विलन्स में चीता की सबसे क्लोज फ्रेंड है और कई ओकेजंस पर उसकी हेल्प भी कर चुकी है, क्योंकि सर्सी भी वंडर वुमन के गेस्ट है। सर्सी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड है, ये एक पावरफुल सोर्सरेस है। सर्सी नाम की कैरेक्टर मार्वल के पास भी है और अपकमिंग मूवी इटर्नल्स में हमें दिखेगी भी, जिसका रोल प्ले कर रही है एंजेलिना जूली। ऐसा भी पॉसिबल है कि वंडर वुमन 1984 में हमें सर्सी भी नजर आए चीता की फ्रेंड के तौर पर। न्यू 52 की ओरिजिन स्टोरी में बारबरा मिनर्वा एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ डियाना की क्लोज फ्रेंड भी होती है, जो आगे चलकर वंडर वुमन के ग्रेटेस्ट विलन्स में से एक बनती है। तो हाँ, ये सच है कि बारबरा एक टाइम पर वंडर वुमन की फ्रेंड भी रह चुकी है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि बारबरा मिनर्वा एक आर्कियोलॉजिस्ट है, इसी वजह से वो कुछ आर्टिफैक्ट्स की तलाश में निकल पड़ती है और एक अफ्रीकन ट्राइब पहुंचती है, जिसका नाम सैंड ट्राइब होता है। ये ट्राइब काफी अजीब होता है। यहाँ के लोग एक एंशियंट गॉड की वर्शिप करते थे और बाहर से आने वाली किसी भी लड़की को पकड़कर इस गॉड के पास ले जाते थे, और ऐसा ही वो बारबरा के साथ भी करते हैं। सैंड ट्राइब के लोग बारबरा को पकड़कर इस गॉड के पास ले जाते हैं। इस एंशियंट गॉड का नाम उर्सकाटगा होता है और ये हमेशा अपने लिए एक वाइफ की तलाश में रहता था। ऑनेस्टली, इसकी शक्ल देखकर इससे कौन शादी करेगा। इसके वर्शिपर्स इसीलिए बारबरा को पकड़कर इसके पास लाते हैं, और जब स्पेल्स को स्टार्ट किया जाता है तो उस काटगा को पता चलता है कि बारबरा वर्जिन नहीं है, इसीलिए वो उसे पनिशमेंट के तौर पर चीता में ट्रांसफॉर्म कर देता है, और यूं बारबरा बनती है चीता। अब मूवी में हमें क्या दिखाया जाता है ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। चीता के पास इनक्रेडिबल पावर्स हैं, स्ट्रेंथ और स्टेमिना में उसका कोई जवाब नहीं। चीता के पास कई एबिलिटीज हैं, जिनमें शामिल है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस स्पीड, हाइटेंड सेंसेस, इनक्रेडिबल बैलेंस एंड रिफ्लेक्सेस। इसके अलावा चीता के पास बहुत पावरफुल क्लोज और टीथ्स हैं। चीता की सभी एबिलिटीज में से सबसे ज्यादा पावरफुल है चीता की बाइट। चीता की बाइट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, वो हर एक चीज को अपनी बाइट से काट सकती है, इवन वो किसी सुपर ह्यूमन की स्किन को भी आसानी से काट सकती है। चीता ऐसा क्रिप्टोनियंस के साथ भी कर चुकी है, तो इसकी बाइट कितनी पावरफुल है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लो। चीता अपनी बाइट से आराम से वंडर वुमन को इंजर कर सकती है। तो दोस्तों ये हैं चीता के सभी पावर्स और एबिलिटीज। अपनी इन सारी एबिलिटीज के होते हुए, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, चीता को गॉडेस ऑफ हंट कहा जाता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लस इन सभी फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वंडर वुमन 1984 को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल कैसा है, इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। इसी तरह के ऑसम न्यूज और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।